दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद के घर से निकलती इन तीन गाड़ियों ने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। इन गाड़ियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान और आनंद शर्मा सवार थे। सवाल उठने लगे कि गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने वाले गुलाम नबी आज़ाद से खुलेआम कौन बैठक कर रहा है। बताइए, राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने वालों से इतनी बेबाकी, क्या इन्हें गांधी परिवार की कोई परवाह नहीं है? अब गांधी परिवार तो बोलता नहीं। तो सामने आई है कुमारी शैलजा। जी हाँ, हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उन्होंने मोर्चा खोला है। जाहिर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात कुमारी शैलजा को नागवार गुजरी। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को एक चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा कि तुरंत एक्शन लो, ये बागी नेता से कैसे मिल सकते हैं, और वो भी सार्वजनिक मुलाकात। अब सभी जानते हैं कि कुमारी शैलजा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सियासी समीकरण उतने मजबूत नहीं है। दोनों में ही किसी न किसी बात को लेकर मतभेद रहते हैं। ऐसे में जो हुआ वो तो होना लाजमी था। वहीं खबर ये भी है कि आनंद शर्मा का भी कांग्रेस से पूरा मोहभंग हो गया है। सूत्रों के मुताबिक वो गुलाम नबी आज़ाद के रास्ते पर निकल सकते हैं, यानी पार्टी को बाय बाय भी कह सकते हैं। अब आप इस बगावत की टाइमिंग पर भी नज़र डालिए। दरअसल 7 सितंबर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है और राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर तक की ये पदयात्रा होने वाली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का बागी गुट इस यात्रा को फ्लॉप शो में बदलना चाहता है। यानी बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा गुट है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की असफलता की कामना कर रहा है। कांग्रेस में चल रही इस सियासी हलचल पर आपका क्या सोचना है या आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिर्फ ABP Live।